शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि वो भी शाहजहां की तरह अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनाएगा, लेकिन साल 2012 में एक पति ने अपनी पत्नी की याद में यह बात सच साबित कर दिखाई और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक और ताजमहल का निर्माण करवा दिया। हालांकि जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, इस ताजमहल को बनवाने वाला कोई राजा महाराजा नहीं बल्कि एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर है। मैं वक्त की तहजीब पर ठहरा हुआ पल है, कायम है मेरी शान कि मैं ताजमहल हूँ। ताजमहल प्रेम का प्रतीक, ताजमहल जो है शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज के प्यार की निशानी, ताजमहल जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, पर अब ताजमहल एक नहीं 2 हो गए हैं और ये दोनों ही ताजमहल हैं अजीम प्यार की निशानी, वो प्यार जिसको 2 लोगों ने अपनी बेगमों की याद में अमर कर दिया। ताज की शक्ल हसीन मकबरा बनाने वाला एक शख्स बादशाह है तो दूसरा एक मामूली सा पोस्टमैन। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की मोहब्बत में आगरा में उनकी याद में ताजमहल बनवाकर बेगम के लिए अपने बेपनाह प्यार का सबूत दिया था, लेकिन बुलंदशहर के एक मामूली से पोस्टमैन ने भी ऐसा ही एक ताज बनवाकर ये साबित कर दिया कि मोहब्बत में ताज सिर्फ बादशाह ही नहीं खड़े कर सकते। बुलंदशहर के इस ताजमहल को एक रिटायर पोस्टमास्टर फैजुल हसन कादरी ने अपनी मुमताज के लिए बनाया है। जब बीबी का आखिरी वक्त करीब आया, होश हवास में थी, जब तक बीमार न थी, एक दिन उसके दिल में अचानक ख्याल आया कि हम मर जाएंगे तो हमारा कोई नाम भी नहीं लेगा। तो मैं कहा कि अगर मेरी ज़िंदगी में तेरा इंतकाल हो गया तो ऐसा मकबरा बनवाऊंगा कि लोग बरसों याद रखेंगे। सिर्फ इतनी बात थी, इतवा बात उसको कैंसर हो गया और वो अल्लाह की प्यारी हो गई। ईंट और पत्थर से बने इस ताजमहल को बनाने का सिलसिला साल 2011 से शुरू हुआ, जब कैंसर की बीमारी के बाद फैजुल हसन की पत्नी ताजा मुल्ली की मौत हो गई। बीवी से बेइंतहा प्यार करने वाले कादरी ने उन्हें अपने ही खेत की जमीन पर दफनाया। इसके बाद अपनी सारी जमा पूंजी, बीवी से किए वादे और अपने मिनी ताजमहल को बनाने में लगा दी। हालांकि काम पूरा होने से पहले ही इनके सारे पैसे खर्च हो गए। पिछले 3 साल से इस ताजमहल का काम पैसों की तंगी के वजह से रुक गया। उसका इंतकाल हो गया तो फिर मैंने अपने वादे को निभाने के लिए तगोदूर शुरू की, अपना खेत बेचा, जेवर बेचा, जो मेरे पास था वो किया, खेती में पैदावार की और अपने फिर भागा फिरा मिस्त्रियों को ढूंढा और एक ताजमहल का नक्शा मेरे पास था और उससे कुछ मदद ली और वो ये जहूर में आ गया। दूसरे ताजमहल की इस कहानी से अखिलेश इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कादरी को मुलाकात का न्योता ही भेज दिया। इतना ही नहीं, अखिलेश ने कादरी के ताजमहल के निर्माण को पूरा करने में दिलचस्पी भी दिखाई है। उनके इस पहल के खबर माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंची और उन्होंने इस पहल की सराहना की और उन इनसे मिलने की भी इच्छा जाहिर की। अब फैजुल हसन कादरी से मुख्यमंत्री की मुलाकात 23 अगस्त को होगी। कादरी को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री से भेंट के बाद उनका ताजमहल को पूरा करने का काम हकीकत में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।